मामा और भांजी में शादियां हो जाती हैं, लेकिन तो क्या वो सारे तमाम बदल ले आराम से सवाल, तो क्या जब ये बनेगा उस समय उस नीति पे क्या चलने को हम तैयार हैं? देखिए एक चीज समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उस समय भी बाबा साहब से बहुत सारी बातें कही, 48 से लेके 52-51 तक खूब बहस चलती थी, अप्रिहेंशन थे उस समय, उस समय भी प्रश्न आए और मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे लीडर्स ने उसका साथ दिया, फोकर जैसे नेताओं ने उसका विरोध किया या हबीब करके थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने उसका समर्थन भी किया। हमारा कहना यह है कि एक अगर देश है उस देश के अंदर अगर एक विधान बनने से बहुत सारी इश्यूज शॉर्ट आउट हो सकते हैं तो बनाना चाहिए। ऐसा ही जब ठीक है आराम देखिए, पहले डिबेट का नियम समझ लीजिए, खड़ा वहीं होना पड़ेगा और बोलना वहीं से पड़ेगा, वन बाय वन रंगरेज। हाँ मैं पूछ लूंगा, रंगरेज अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस है तो खड़े रहिए, नंबर आएगा। ये भेड़ चाल वाली डिबेट नहीं है, चुपचाप खड़े रहिए। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भगा चुका हूँ, इसलिए चुपचाप खड़े रहिएगा जी। मैं ये कह रहा हूँ जब इस देश में हिंदू कोड बिल आया, तमाम सारे अधिकार महिलाओं को मिले, हिंदू महिलाओं को मिले, सिख महिलाओं को मिले, और उसमें और भी जो तमाम पंथ हैं हमारे वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं। अब आप देखिए कि अगर वो गैर कानूनी है तभी तो 1985 में हुआ जजमेंट आता है, अगर वो गैर कानूनी है पर्सनल लॉ तभी तो 1995 में आया। ठीक ठीक, आई हैव टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। मैं पूछना चाहता हूँ विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता साहब हैं, ये बिना तैयारी के आ गए, बताइए आप यूसीसी में क्या क्या चीजें बदली जाएंगी, बताना जरा, बताना जरा, ये बता नहीं पाएंगे भैया जी, ये सिर्फ बातें। अच्छा ठीक है, मैं ये जानना नहीं, अगर आपने आज ज्यादा रट्टा लगाया है और पूरी विद्वता यहाँ पे दिखाने के लिए आए एग्जाम के लिए, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे यूपीएससी के भी लोग खड़े हैं और तमाम सारे लोग, इसलिए बहुत विद्वता की जरूरत नहीं, आराम से। मैं आपने अगर पढ़ा है तो मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपको ज्यादा ज्ञान है तो बताने में हिचक न रखिए, किसी का इम्तिहान मत लीजिए जी। मैं प्रोफेसर आदमी हूँ, पढ़ाता हूँ इसी चीजों को, तो मैं बता देता हूँ, संपत्ति को लेकर के, पुत्र को लेकर के और तमाम सारी चीजों को लेकर के है, चार पांच चीजें हैं। ठीक है, सुनिए सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं प्रोफेसर भाई, मैं सब जानना चाहता हूँ, चीजों पर सुन लीजिए। अगर मुस्लिम महिला को, अगर मुस्लिम महिला को, या जो कस्टमरी लॉ है, अगर जो कस्टमरी लॉ है, जो परंपरागत कानून आ रहे हैं, अगर उन कानूनों के तहत अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उनको बदलना चाहिए, उनको बदला जाएगा। ऐसे पांच बातों को लेकर के खासकर इसके अंदर विषय आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पांच मुद्दे तो आ रहे हैं जो कि आप हिंदू महिलाओं को मिल चुके हैं जी। जी आपका सवाल अलग है, मुख्तलिफ है, या वही सवाल उठाएंगे आप? देखिए भैया जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी आर्टिकल 370 जो हटाई गई कश्मीर से, आज तक उस देश वहां पर प्रदेश में एक भी चुनाव नहीं हो रहा, वहां की स्थिति क्या है कश्मीरी पंडितों के साथ? आज मुद्दा ये 370 पर है भैया, मगर धारा 371 की बात नहीं हो रही, आर्टिकल 371 जो आर्टिकल 371 नहीं 371 बता रहा हूँ भैया जी, मैं वो उसी का बता रहा हूँ जिसके लिए इस पर। हाँ जी, वो अच्छे से रट नहीं पाए, जो उन्होंने याद किया है वो भूल गए, वो बेइज्जती और करवाएंगे हमारी। इसीलिए कहता हूं कि कभी रटना नहीं चाहिए, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि मुद्दा आखिर है क्या। जी जनाब अली आइए, जो रटेगा वो भूलेगा, आप देखो, अब सुनो बात क्या है। सबसे पहले हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा, थोड़ा सा समय दे दीजिए आज। ठीक, आप दे देते हैं, क्योंकि आओ आगे आ जाओ तुम। ये मुद्दा छिड़ा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी भोपाल में भाषण दिया है, वहां से फिर पकड़ा, पहले ये पॉलिटिकल इशू नहीं था, लॉ कमीशन ने एक फॉर्मेलिटी है, वो तमाम संगठनों से जवाब मांगा, जवाब कहा कि 2018 से लेकर 2021 तक लॉ कमीशन जो था वो फंक्शन नहीं था। नहीं, ये बात सही हो तो हर कमीशन का मामला चलता रहता है ना, 2016 में मांगा, 18 में रिपोर्ट हो गया, फिर अभी मांगा, फिर लॉ कमीशन अपना रिपोर्ट दे देती तो खेल खत्म, डिबेट का तो ये इशू नहीं था। लेकिन चूंकि डिबेट करवाया जाता है, अब दो बात मैं बताऊं, जब इक्वलिटी की बात आ रही है, बराबरी की, तो इस्लाम के मानने वालों को पहले फ्रंट पे आके कहना चाहिए कि इक्वलिटी के तो सबसे प्रबल समर्थक हम हैं,
हम तो चाहते हैं कि सबके लिए एक समान सब कुछ हो, एकदम बराबर। जो खाना हम खाएं मेरा पड़ोसी भी खाए, जो कपड़ा हम पहना मेरा पड़ोसी। तो वो कहाँ जाएंगे, पसमांदा? वही पसमांदा, उनको ये भी, इनका, इनके ऊपर अभी नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी सब पसमांदा का भी एक वो चला हुआ है। अच्छा, पहले वही बोल, उस पर आर्टिकल 341, आर्टिकल 341। योगेश जी हमारे प्रोफेसर साहब हैं, इनसे विनती करता हूँ, समानता का अधिकार जब मतलब शादी ब्याह में आप कर रहे हैं, जो जरूरी है, रिफॉर्म होना चाहिए, आपको लगता है इस्लाम में ही सारी बुराई है, चलिए आप इस्लाम को ही सही कीजिए, लेकिन मुसलमान धोबी जो है वो आरक्षण से बाहर और हिंदू धोबी आरक्षण का लाभ ले, मुस्लिम नाई आरक्षण से बाहर हिंदू नाई आरक्षण का लाभ ले, मुस्लिम तेली आरक्षण से बाहर हिंदू तेली आरक्षण का लाभ ले, मुस्लिम दुनिया आरक्षण से बाहर हिंदू जुलाहा मन आरक्षण का लाभ ले, और मुस्लिम जुलाहा बाहर, और वो तमाम जातियां हिंदू मोची ले मुस्लिम मोची बाहर, हिंदू वाल्मीकि ले मुस्लिम वाल्मीकि बाहर, तमाम जातियां 341 से बाहर, जो 1950 से हैं, जो पंडित नेहरू जी ने, जो आपके दुश्मन हैं, उन्होंने किया था, कम से कम दुश्मन के गलत काम को सही कर देते हैं तो हम आपका कितना बड़ा फैन हो जाते। एक बात, एक बात, एक बात, एक बात, अब आखिरी आखिरी, दोनों लोग गुस्सा हैं, दोनों ने यूसीसी को, मैं आ रहा हूं, 10 अगस्त 1950 को पंडित जी को भी हम कर देते हैं करेक्ट, 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर धार्मिक प्रतिबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया। अभी पढ़ के आइएगा इसको, होम मिनिस्टर को छोड़िए ना, जो प्रेसिडेंटियल ऑर्डर, पटेल जी को छोड़ रहे हैं क्या? अरे ये पीओ है, ये पीओ है, प्रेसिडेंटियल ऑर्डर है ये। पर असल मुद्दा यूसीसी पर, असल मुद्दा यूसीसी पर, पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों बयान दिया, ये मुद्दा है, मुद्दा ये है, असल मुद्दा प्यार है, 2 सेकंड। पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या जरूरत पड़ी, यूसीसी अगर आदिवासियों के कल्चर पर अटैक करता है अगर, तो आदिवासी के नेता क्यों नहीं बोलेंगे? अगर अगर एससी के कल्चर पर अटैक करता है तो एससी के लीडर क्यों नहीं बोलेंगे? सारा मामला का ठेका मुस्लिम मतलब लोग क्यों ले रहे हैं, हर मामले को आप बहल मुझे मार, यूसीसी नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, सीए नहीं होने देंगे, अरे सब का ठेका तुम ही ले लियो और देश की 80% आबादी चुप बैठेगी क्या? इनको आगे अगर किसी का हित प्रभावित हो रहा है, मैं कहता हूं अगर, मैं अगर लगा रहा हूं, मुझे क्या पता किसका हित प्रभावित होगा, जब ड्राफ्ट आएगा यूसीसी कौन सी चिड़िया कैसे उड़ेगी किस दाल पर बैठेगी देखेंगे ना भाई, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं काबिल हैं यूसीसी की गहराई को, 44 में क्या क्या प्रावधान है जानते हैं, तो वो आगे आए, और अगर आदिवासी आगे नहीं आ रहे, दलित आगे आगे नहीं आ रहे, तो मुसलमान ठेकेदार क्यों बन रहे हैं, ये मेरा सवाल है। इसका मतलब मैच फिक्स होता है, उधर प्लान बनता है, और हमारे मौलानाओं को जो कहा जाता है ना कि टीवी वाले मौलाना, मैं कह रहा हूं ये बिकने वाले मौलाना, 341 पर, 341 से बहस शुरू करी, 341 से मैं आता हूं, वहां भी आऊंगा, वहां भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। जो आपने बात करी कि मुस्लिम धोबी को या मुस्लिम नाई को क्यों नहीं मिलता, आपको पता है इस पर बड़ी बहस हुई इस देश के अंदर, और मुस्लिम के जो मौलाना थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता नहीं है। आप पहले मानिए, आप पहले मानिए कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता है, आप पहले मानिए हमारे यहाँ असमानता है, आपने माना नहीं, लेकिन लेकिन हमारे हमारे धर्मावलंबियों ने, हमारे धर्म ने माना कि हमारे यहाँ समस्या रही है, हमारे यहाँ समस्या रही है, इसलिए